दीवान, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दिया गया कार्यपत्र 10 विज्ञान का कक्षा 8वीं का डिस्कस करेंगे। तो आप सब जान चुके हैं सूक्ष्म जीव जो है वो बहुत छोटे हैं, जिन्हें हम लोग अपनी आंखों से बिना सूक्ष्म दर्शी के देख नहीं सकते। ये सूक्ष्म जीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी, सांस या फिर किसी के संपर्क के द्वारा फैलते हैं। आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीव के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। मानव में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली बीमारी प्रोटोजोआ जो करती है मलेरिया, दूसरी जीवाणु, क्षय रोग, हैजा और आंत्रज्वार यानी पेट में दर्द, ये सब होते हैं जीवाणु से। वायरस, पोलियो, खसरा, हेपाटाइटिस ए और चेचक जैसी बीमारियां फैलाता है। इनसे बचने के उपाय, अपने आसपास सफाई रखें और खुले में शौच ना करें। दूसरा, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ जरूर धोएं। पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें। बच्चों को समय पर टीके लगवाएं, पोलियो के टीके, हेपाटाइटिस ए के टीके, इनके टीके समय पर लगवाने चाहिए। और आखिरी, खांसते समय मुंह पर रुमाल जरूर रखें। अब हमें बताया गया है एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है। मवेशी मतलब जो कि जीवों में होता है, जैसे कि भैंस, गाय, इन सब में जो चरने वाले जीव होते हैं। सो ये किससे होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण, जिसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने ही की थी। अब पहला प्रश्न मिलान करना है, जीवाणु हैजा के कारक लैक्टोबैसिलस दही जमाना और प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक, वायरस चेचक का कारक। सो अब देखते हैं मलेरिया से बचाव के दो उपाय। मलेरिया से बचाव के दो उपाय हैं, अपने आसपास पानी जमा ना होने दें, अपने बच्चों को समय पर टीका लगवाएं और गंदी जगह पर ज़्यादा ना जाएं और ना छुएं। मानव में जीवाणु और विषाणु द्वारा फैलने वाली किन्हीं तीन रोगों के नाम, तो क्षय रोग, टीबी, हैजा और टाइफाइड विषाणु, ये जो है ये फैलते हैं जीवाणु से। और हमारे दूसरे विषाणु से क्या क्या फैलते हैं, ये पहले हमारे कौन से हैं, ये बैक्टीरिया के हैं, यहाँ से विषाणु से फैलते हैं पोलियो, खसरा और हेपाटाइटिस ए। अब एक ऐसी बीमारी का नाम बताइए जो इंसान और जानवरों दोनों में पाई जाती है, एंथ्रेक्स। अब आजकल पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है, उस महामारी और सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए जिसके द्वारा ये फैलती है और इसे रोकने के कुछ उपायों का उल्लेख कीजिए। महामारी का नाम कोरोना है, लेकिन यह किसी सूक्ष्म जीव से नहीं फैलती, ये वायरस से फैलती है। और अगर इससे बचना है तो हमें कोरोना वायरस के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और स्वयं को टीकाकरण करवाना होगा। सो इस तरह से ये वर्कशीट ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए।